कुछ नई चीज सीखने को मिलेगी। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इंसान कुछ ना कुछ किसी से सीखता ही, और सीखना ही इंसान को इंसान बनाता है जानवर से। क्योंकि आप देखो, खाना जानवर भी खाता है, बड़े भी जानवर होते हैं, बच्चे भी पैदा जानवर करते हैं, इंसान भी करता है। सिर्फ इंसान को इंसान उसकी सोच बनाती है। वो जब सीखता है चीजों को और अपने आप को ठीक करता है, ये काम जानवर नहीं करता है। अदरवाइज जानवर और इंसान में कोई फर्क नहीं। सिर्फ इंसान को इंसान तभी मानते हैं जब वो कुछ नई चीज सीखता है, अपने आप को इम्प्रूव करता है, अपने आप को और विकसित करता है, तो वो इंसान जो है ना वो जानवर से इंसान कहलाता है कि नहीं? इसके अलावा क्या फर्क है बताइए? तो उसके चार पैर होते हैं, ठीक है, उससे मान लेते चार पैर होते हैं, लेकिन जो बिहेवियर, जो हम लोगों का व्यवहार है, जो हम लोगों की सोच है, वो हमारी सोच जानवरों से अलग बनाती है। तो इसीलिए हम लोगों को हमेशा ये बात का ख्याल रखना है कि जब हम कोई चीज सीख रहे हैं या बोल रहे हैं तो इसका मकसद होना चाहिए हमारी जिंदगी में बेहतरी हो, बेहतर हो, अच्छा हो, है ना? तो मेरा मकसद यहाँ पर आने का आज ये था कि अपने आप लोगों से कुछ सीखने को मिले, कुछ चीजें जानने को मिले, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उससे कुछ हम लोग सीख के अपने घर लेके जाए और उसको अपनी जिंदगी में उतारे और कुछ अपनी बातें हम लोग कर सके, मैं कर सकूं। एक्चुअली देखिए, गांधी जी ने एक बात कही थी, आप लोग कोई हो सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियर हो, कोई मैकेनिक के काम करते करते सीख गए, बेहतर जानते होंगे हमारे काम से, मतलब हमारे सोच से ज्यादा आपको बेहतर इसके बारे में पता होगा। गांधी जी ने क्या कहा था कि दुनिया में वो लोग तरक्की करने से कभी पीछे नहीं हट सकते हैं जब उनके अंदर तीन चीजें होंगी। पहली चीज उनके अंदर में कंसिस्टेंसी, यानी किसी काम को लगातार वो कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल से वर्कशॉप का ही काम कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर में वो कंटिन्यूटी है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट आ गया कंसिस्टेंसी के बाद, आप उसमें ऑनेस्टी कि कितने ईमानदारी से आप उसमें काम कर रहे हैं, जैसा कि उन्होंने अभी बताया, ईमानदारी वाली जो बात है होनी चाहिए, अदरवाइज डायरेक्ट चोरी हम कर रहे हैं। ये गांधी जी का कहना था कि इंसान एक बेहतर इंसान और कामयाब तभी हो सकता है जब ये तीनों चीजें हैं। कंसिस्टेंसी यानी कि आप किसी काम को लगातार करेंगे, नहीं कि आज खूब जोश में आए, काम अच्छा करे, फिर दूसरे दिन ठंडा हो गया, आज कोई मन नहीं कर रहा है, होता है ना ऐसा। अच्छा, दूसरी चीज, आप लोग थोड़ा सा जब मैं कुछ पूछूं या कुछ करूं तो बात कीजिए आप लोग, ये नहीं कि ऐसा लग रहा है मैं टीचर हूं, आप लोग स्क्रीन की तरह देख रहे हैं ना, बिल्कुल फ्री होकर भाई की तरह, दोस्त की तरह लोग एक दूसरे से शेयर करेंगे, बात करेंगे। और तीसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज को फील किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो ये है अपने देश से प्यार। ये गांधी जी का कहना था, तीन चीजें, कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी एंड देश प्रेम, पैट्रियटिज्म। ये इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपके अंदर अगर कंसिस्टेंसी है, चलो आप रोज घर से जा रहे हो, दुकान दुकान से आ रहे हो, घर अपने परिवार को आपको देख लेंगे, ये हो गया लगातार, ईमानदार हैं आप अपने परिवार के लिए, अपनी दुकान के लिए, लेकिन आप तरक्की तब तक नहीं कर पाएंगे जब वो ईमानदारी, वो लगातार काम कर रहे हैं आपके पूरे देश के लिए, अपने सोचे कि क्या मैं जो काम कर रहा हूं कि और कैसे अपने लोगों को दे सकूंगा, और कैसे उनको कामयाब बना सकूंगा, और कैसे उनको फायदा पहुंचा सके। जब आपकी लेवल जो है ना सोच की, वो घर से पहुंचकर ऊपर पहुंचेगी, अपने जिले तक पहुंचेगी, अपने देश तक पहुंचेगी, वो इंसान तरक्की कर जाएगा। और ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए एक बार जोर से बोल दीजिए, भारत माता की जय। जोर से जय। ये एक्चुअली असल में मेरा नाम रफीक अहमद है, तो मैं उससे कोई जबरदस्ती कहेगा बोलो भारत माता की जय, तब तो बड़ी मार पाऊंगा, ये प्यार से जरूर बोल रहे हैं, है ना? तो मैं तो ज्यादा वक्त मैं आप लोगों को नहीं लूंगा, ऑलरेडी खाना खाने के बाद ऐसे ही नींद आती है, ठीक है। चलो बहुत शुक्रिया आप लोगों का।